एग्जाम्पल सिक्स द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर गिवेन इन टेबल फोरटीन पॉइंट एग्जाम्पल वन सो लेट अस कम टू फाइंड द मोड एंड ऑल्सो कंपेयर तो फोर्टीन पॉइंट वन टेबल निकाल लें हम लोग ओके तो फोर्टीन पॉइंट वन टेबल आप देखो पेज नंबर टू सिक्सटी वन पे ओके okay. सो so इसमें क्या चीज दी गई है फोर्टीन पॉइंट वन टेबल ओके फोकस हो रहा है कि नहीं इज इट क्लियर और नॉट अब आ गया चलो तो इसमें क्या दिया गया है कि 14.1 टेबल में ये बात दी गई है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ओके okay, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या यही टेबल है क्लास इंटरवल में होनी चाहिए ल लेट अस कम बैक टू क्वेश्चन अगेन की 14.3 टेबल कही गई है ओके सो 14.3 टेबल ये देखिए कि सेम डेटा हैज बीन नाउ रीअरेंज्ड एंड क्लास इंटरवल हैज बीन मेड तो इसमें ये दिखाया गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो मॉडल क्लास है तो हमारे पास क्लास इंटरवल बच्चों ने कितने कितने नंबर पाए हैं सो क्लास इंटरवल दैट यू नीड नॉट टू मेंशन बट आई एम मेंशनिंग फॉर रेफरेंस सो मोड में कभी भी आपको ये सब लिखना नहीं होता है लिखना क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ और ये फ्रीक्वेंसी नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवेन एज टू थ्री सेवन सिक्स 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 देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर थर्टी तो इससे पता चलता है कि ये क्लास कौन सी है तो यहाँ से आप लिखना शुरू करिए मॉडल क्लास सो मॉडल क्लास कैसे ये है प्रवीण बताओ बता सकते हो कोई बात नहीं तो संपत आप बताइए ये मॉडल क्लास कैसे है सौम्या <coughs> so, दिस इज मॉडल क्लास बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो तो उसे क्या कहेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो उस क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे एल कहेंगे तो एल यहाँ क्या है लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास बोलो प्रवीण सो दैट इज़ एल जो मॉडल क्लास है उसी की लोअर लिमिट बतानी है ऐसे तो पहली थोड़ी ना बतानी है इसी की लोअर लिमिट बताओ तो फोर्टी क्या हो गया एल अच्छा एच क्लास साइज क्या है कोई बात नहीं क्लास साइज बताइए प्रवीण क्लास साइज को एच कहेंगे टेन कैसे हुआ किसी भी क्लास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो दिस माइनस दिस हाँ दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस तो किसी में से भी कर लो मान लो जैसे आप पहले का ही करना चाहते हो तो ऑल यूनिफॉर्म क्लास हैं तो इसलिए क्लास साइज हो गया फिफ्टीन का ओके नाउ ये तो हो गई क्लास साइज़ अब मुझे बताइए एफ वन क्या है पूर्णेंदु ने बताया था किसने बताया था फिफ्टीन बोलो नाम बोलो इसमें आ नहीं रहा है, है? हाँ बो बोलो बेटा इंदु इसमें ये बताओ कि अब एफ वन क्या है फिफ्टी फाइव नहीं है एफ वन क्या होता है दैट इज द बोल हाँ दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है मॉडल क्लास उसको F1 कहते हैं दैट इज़ F1, F1. तो दैट इज इक्वल्स टू सेवन और F1 से पहले जो है उसे F0 कहेंगे दैट थ्री है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास इट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जो पहले आता हो प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास तो वो थ्री हो गया और इंदु बताइए एफ टू क्या है एफ टू से आप क्या समझती हैं यस दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास तो इसे मैंने कहा एफ वन इसे कहा एफ नॉट और इसे क्या कहा एफ टू तो दैट इज इक्वल टू सिक्स अब हमें फार्मूला देख लिखना है तो मोड क्या होता है एल प्लस तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी में से पिछली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो और मॉडल क्लास के दुगनी फ्रीक्वेंसी में से पिछली और अगली दोनों माइनस कर दो और इसके बाद उसमें क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दो तो एल क्या है एल हमने क्या लिखा था फोटी था बताओ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यहाँ से देखो क्या था बताओ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट फोर्टी थी अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या सेवन थी और उसकी पिछली वाली कितनी थी वॉट वॉज द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी दैट वॉज थ्री एंड वॉट इज डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज टू इंटू सेवन इट इज फोर्टीन और थ्री को भी माइनस करो सिक्स को भी माइनस करो क्योंकि थ्री एंड सिक्स आर द जो भी एडजेसेंट लिमिट्स हैं उन दोनों को माइनस कर दो किसी को भी पहले लिख लो किसी को भी बाद में तो एफ नॉट एफ वन एफ टू ऐसे ऑर्डर होता है तो एफ नॉट एफ वन और नेक्स्ट वाले को क्या कहोगे एफ टू ये हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसा कि आपने फिफ्टीन बोला था सो इट इज फोर्टी प्लस फोर बाई फोर्टीन माइनस नाइन इंटू फिफ्टीन सो दैट इज़ फोर्टी प्लस फोर इंटू फिफ्टीन सिक्सटी बाई और यहाँ से कितना आ जाएगा फाइव फाइव से इसे कट कर लो तो फाइव वन या फाइव फाइव टू जा टेन सो दिस इज़ फोर्टी प्लस ट्वेल्व तो नाउ मोड क्या हो गया नाउ यस इट इज फिफ्टी टू ओके तो मोड इसका फिफ्टी टू आ गया जबकि इसका मीन कितना था सिक्सटी टू तो मोड आ गया फिफ्टी टू ओके नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं सो so, अब देखिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू ओके द फॉलोइंग टेबल शोज़ द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर तो हमारे पास यहाँ दिया गया है कि दिस टेबल शोज़ द पेशेंट्स एडमिटेड इन दिस तो इस टेबल को देखते हुए आप ये बताइए कि इस टेबल में मॉडल क्लास ईशान मॉडल क्लास क्या है जबकि ये दिया गया एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स की किसी हॉस्पिटल में हाँ तो बोलो आप मॉडल तो दिस इस इज़ इसको लिखें मॉडल क्लास सो मॉडल क्लास थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव और ये इसके बाद एच क्या है दैट इज़ क्लास साइज़ अब आप, आप बताइए कितनी है हमें पता नहीं चल रहा है टेन है ना इन दोनों का सप्ट्रेक्शन कर दो ना तो क्लास तो साइज तो वो होता है ना जो क्लास की लेंथ होती है टेन अच्छा ईशान एल क्या है एल थर्टी फाइव है तो एफ वन क्या है तो आप बताइए एफ वन क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थ्री नाउ एफ नॉट क्या है ट्वेंटी वन फिर एफ एफ टू क्या है सही बताया अब प्रवीण पूछो इसमें क्या पूछना है इतनी बात समझ में आई चलो बस सारे सवाल ऐसे ही हैं नाउ लेट अस फाइंड द मोड तो मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना और उसको डबल कर देना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को या मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को और प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों को माइनस कर देना और क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देना एच से नाउ ये फार्मूला आपको लिखना है इस फार्मूले पे मार्क्स एक नंबर मिल जाएगा अगर चार नंबर का है फार्मूले पर एक नंबर है बाकी कुछ करो या नहीं करो अब देखो नाउ अब लेट अस प्लेस द वैल्यू तो इट इज एल इज थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू इंटू ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन इंटू एच टेन ये कभी निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जब आप डबल करोगे तो वो अपने आप ही दोनों से ज़्यादा होगा इसलिए निगेटिव आएगा तो समझो गलत कर रहे हो ना थर्टी फाइव प्लस टू बाई फोर्टी सिक्स माइनस दैट इज़ थर्टी फाइव इंटू टेन सो इट इज़ थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी बाई इलेवन ओके इसका एलसीएम ले लीजिए और डेसिमल में निकाल दीजिए तो थ्री एट्टी फाइव प्लस ट्वेंटी दैट इज फोर जीरो फाइव बाई सो इलेवन से इसमें करो फोर जीरो फाइव इलेवन एफ एफ नॉट के ऊपर वाली संख्या को कुछ नहीं बोलेंगे बस आपको तीन सही मतलब है ओनली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास और सक्सीडिंग अब देखो इलेवन थ्री या थर्टी थ्री एट्टी फाइव सो इलेवन सेवन या सेवेंटी सेवन जो आपका आंसर आना चाहिए वो मॉडल क्लास में ही आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपने गलत किया है क्योंकि मॉडल क्लास में से ही मोड निकलेगा उसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए नाउ इट इज़ एट तो डेसिमल लगा दीजिए इट इज सेवेंटी सेवन थर्टी टू एट्टी तो सेवन दैट इज़ थर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू सेवन मेरे मेरे फोन से कर रहा हूं तो एक बार कोई लोग पीछे आंसर देख के बताओ ये ठीक आंसर है ये मॉडल मार्क्स है अच्छा हमारी मॉडल क्लास में से ये आ रही है क्या चेक करो ये है मॉडल क्लास तो क्या जो मेरा आंसर है वो इसी में फॉल कर रहा है इसी में लाइक कर रहा है देखो ओके स्क्रीन इज ब्ल ओके सभी को ब्लर दिख रही क्या ओके नाउ जस्ट चेक द आंसर दर इट इज करेक्ट और नॉट कितना क्या गलती की है एक मिनट डिवाइड करने में गलती हो गई <laughs> एट्टी फाइव के बाद यहाँ पे यहाँ पे सेवेंटी फाइव हाँ सही कहते हो यही गलती हो गई तो फिर इससे ही क्या हो जाएगा दैट इज़ थर्टी सिक्स सो दैट इज़ सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स हो गया तो नाइन बचेगा तो नाइन्टी और नाइन्टी में एट कर दो पीछे कितने तक आंसर है ओके okay, ओके okay, बस ठीक है ये बाकी छोड़ दो थर्टी सिक्स पॉइंट एटर्टी सिक्स एट मास इज क्या ये जो मोड आ रहा है ये आपके मोडल क्लास में ही आ रहा है ये चेक करो ये था हमारी मोड कि थर्टी सिक्स पॉइंट एट क्या इसी में लाई कर रहा है अगर इस पर लाई कर रहा है तो आंसर करेक्ट है इसके बाहर नहीं लाई करना चाहिए ना अब देखिए फाइंड द मोड एंड मीन भी कह रहा है और कंपेयर एंड इंटरप्रेट तो दोनों चीजें कह रहा है तो अब हमें मीन निकालने के लिए इस टेबल को बनाना पड़ेगा और इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे नाउ सो दैट इज एज ग्रुप इन ईयर्स फाइव टू फिफ्टीन जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं फाइव टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फ़ाइव एज ग्रुप के ट्वेंटी फ़ाइव टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव इस एज ग्रुप के सो ये सारे ऐज ग्रुप हो गए अब इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सो इट इज़ सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री फोर्टीन एंड फाइव अब इसमें आप ये तो एफ हो गया एफ आई अब एक्स आई निकालो क्लास मार्क क्ला, आ, क्लास मार्क नाउ सीजन क्लास मार्क बताइए हाँ टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एज्यूम्ड मीन किसे मान रहे हैं एज्यूम्ड मीन फोर्टी हो गया नाउ डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बताइए थर्टी तो नहीं होगा माइनस हाँ ओके नाउ डी आई एफ आई डी आई एफ आई बताइए नेक्स्ट, पॉज oh, हो रही है वन फोर्टी हंड्रेड चलो ये आ गया तो सिग्मा डी आई एफ आई तो ये कितना हो गया ये टू फोर्टी हो गई और ये ये कितना आ जाएगा फोर हंड्रेड तो यही हो गया और 3610, सिक्स हंड्रेड टेन तो माइनस का सिक्स हंड्रेड टेन माइनस के सिक्स हंड्रेड टेन यानी सिक्स हंड्रेड टेन में से टू फोर्टी माइनस करो और जो आए उसे निगेटिव में लिखिएगा तो थ्री <coughs> सेवेंटी तो माइनस का थ्री सेवेंटी क्या फॉर्मूला है मीन का सिग्मा ठीक है एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई अभी हमने निकाला नहीं है टोटल कितने पेशेंट्स हैं जरा देखने का नहीं लिखा तो टोटल करना पड़ेगा तो दिया तो नहीं है नाउ सिक्स सेवन एट कितने एट्टी आ रहा है तीस चालीस ठीक है सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एट्टी तो एज्यूम्ड मीन फोर्टी में आना था और ये आ गया माइनस थ्री सेवेंटी बाई एट्टी सो फोटी माइनस थर्टी सेवन बाई एट दैट इज इक्वल्स टू थ्री ट्वेंटी माइनस थर्टी सेवन बाई एट थ्री ट्वेंटी से इसमें सब करो से थर्टी सेवन तो दैट इज़ थ्री टू थ्री तो टू एट्टी थ्री बाई एट एट थ्री ट्वेंटी फोर फोर्टी थ्री तो एट फाइव 40, फोर्टी एट थ्री या ट्वेंटी फोर सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी सिक्स अभी भी फोर बच रहा है तो दैट इज़ थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव अच्छा दोनों में फ़र्क है क्योंकि जो हमारा मोड आया था तो मोड अलग आया था मोड थर्टी सिक्स पॉइंट एट आया था तो जबकि यहाँ पर मीन क्या आया है सो मीन इज दिस तो दोनों में देयर इज डिफरेंस ओके अब देखिए कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो कंपेयर करना है एंड इंटरप्रेट द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंटरप्रेट बस इतना लिख दीजिए मीन इज फाउंड ग्रेटर दैन मोड और अभी इंटरप्रेट करने के लिए कुछ है नहीं जब आगे मीडियन पढ़ेंगे तब हम तीनों को कंपेयर करेंगे सो मीन इज ग्रेटर दैन मोड एंड मीन इज मोर रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी दैन मोड ये भी लिख सकते हो मीन इज जहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं पर भी आप ले लो या कंपनीज हैं तो मीन निकाला जाता है तो मोर रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी क्योंकि ये सारे डेटा से क्लोजेस्ट होती है टेंडेंसी देन मोड सेकेंड क्वेश्चन देखिए द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ टू ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रिकल कंपनीज तो इसमें मॉडल लाइफ टाइम आपको बताना है अब ये चीज दी गई है सो so, इसमें श्रेयान ये मुझे बताओ डेटा को देखते हुए एम आई ऑडिबल श्रेयान हाँ बताइए कि मॉडल क्लास क्या है हॉस्पिटल uh, के पेशेंट्स को तो uh, बस वही लिख दें कि मैक्सिमम इत, इतने तो वो आप कैसे बता सकते हो मॉडल ये वो था सेंट्रल टेंडलसी उसमें आप कुछ बता नहीं सकते हो uh, और मैक्सिमम ये जो हम क्लास में निकालते हैं ना तो वो जरूरी नहीं है कि यही मैक्सिमम नंबर हो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या बस ये एक मोड होता तो आप इंटरप्रेट में ये लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ दिस एज ग्रुप तो इतने इयर्स हो गई ठीक है और ये इतना हो गया ठीक है क्योंकि कई बार जब मार्क्स होंगे तो जो मोड आएगा वो वो मार्क्स किसी के होंगे ही नहीं या मीन आएगा वो वो किसी के होंगे ही नहीं तो आप ये ये नहीं कह सकते कि यू कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड कि यही मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस मार्क्स क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी है उससे जो दूसरी हैं वो क्लोजेस्ट हो सकती हैं तो ज़्यादा रिलायबल क्या होती है कि मीन होती है जैसे आप ये देखो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्यों महत्वपूर्ण है कि जैसे कि ये तो एक मुल्ला जी थे और एक उनकी बेगम थी और ठीक है और साथ में उनके बहुत सारे बच्चे थे और उनको नदी पार करनी थी तो उन्होंने मुल्ला जी थोड़ा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने क्या किया कि ये देख लिया कि ये जो है नदी की गहराई कितनी वॉट इज़ द डेफ ऑफ दिस रिवर फिर उन्होंने सबको एक तरफ से खड़ा करके सबका वैल्यू निकाला कि इनका एवरेज क्या है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है तो उन्होंने अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी मोड निकाला मीडियन निकाला मीन निकाला फिर उन्होंने देखा कि ये जो है ये आ, टोटल नाइन्टी सेंटीमीटर गहरी है जबकि हमारा एवरेज आ रहा है एट्टी फाइव सेंटीमीटर तो उन्होंने कहा कि हम आ, हमारा जो एवरेज आ रहा है वो इससे ऊपर आ रहा है तो हमारा नाइन्टी फाइव आ रहा है बोले हम लोग तो इससे ऊंचे हैं नदी से बोले चलो चलो सब लोग पार कर जाओ तो बात हो गई लेकिन ज़्यादातर लोग डूब गए तो बोला गया कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का क्यों हमने तो सही लेखा किया था तो हमारा पूरा कुनबा क्यों डूब गया तो वाई दिस कंप्लीट फैमिली हैज मच इट इज़ ड्यू टू द रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हमें सही सेंट्रल टेंडेंसी सेलेक्ट करनी है और सेंट्रल टेंडेंसी इज़ द सिंबोलिज्म दैट ऑल अदर वैल्यूज़ आर हाउ क्लोजेस्ट टू विच एंड मोस्ट रिलायबल इज़ द मीन तो ज़्यादातर आप ये uh, कहना गलत होगा कि इतने मैक्सिमम एज ग्रुप के पेशेंट हो सकता है इस एज ग्रुप का कोई पेशेंट हो ही ना एक भी ना हो तो so, अब लिखा दिया आपके यहाँ तो ठीक है बट लेकिन ये ऐसा ऐसे लिख दे तो ठीक है जितना मैंने बताया ठीक है <laughs> अब देखिए आगे की बात सो नेक्स्ट इज श्रेयान ये बताओ कि इसमें मॉडल क्लास सिक्सटी टू एट्टी इज द मॉडल क्लास ये बात सही है सो मॉडल क्लास सिक्सटी टू एटी नाउ एच ट्वेंटी नाउ एल सही बता रहे हो एफ वन एफ नॉट एफ टू बस यही सारी वैल्यू रखें हम इसका मोड निकाल लें सो वॉट इज मोड ना मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट फिर हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी में से उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन और उसके डबल में से प्रीसीडिंग और सब्रैक्ट सक्सीडिंग दोनों का सब्ट्रैक्शन और उसमें फॉलोड बाई मल्टीप्लाई ऑफ क्लास साइज यानी एच एच को क्लास साइज कहते हैं तो लोअर लिमिट हो गई सिक्सटी एफ़ वन सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी टू सिक्सटी वन का डबल करो माइनस फिफ्टी टू माइनस थर्टी एट इंटू एच एच ट्वेंटी है तो दैट इज़ सिक्सटी प्लस नाइन तो ये नाइन हो गया नाइन इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड ट्वेल्व वन वन ट्वेंटी टू और माइनस दैट इज नाइंटी ओके ना दिस इज सिक्सटी प्लस वन एटी अपॉन अभी सब ट्रैक्ट कर दें थर्टी टू थर्टी टू आ गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें पॉज हो रही है The same problem lies with others also. Okay, now let me change the phone. इज इट ओके अभी ठीक है ओके ओके क्लास टेंथ स्टेटिस्टिक्स चैप्टर क्लास टेंथ स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नाउ थर्टी टू इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें सिक्सटी प्लस नाइन्टी बाई सिक्सटीन और अभी कट जाएगा ये तो फोर्टी तो फाइव बाई एट सो इट इज सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव बाई एट फोर एट्टी प्लस फोर्टी फाइव ये वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी क्योंकि ये नेगेटिव कभी नहीं आती मोड में सो इट इज़ फाइव ट्वेंटी फाइव बाई एट तो देखते हैं उसी में आना चाहिए फाइव टू फाइव सिक्सटी टू एट्टी के बीच आना चाहिए तो फोर्टी फाइव तो एट फाइव या फोर्टी नाउ फोर्टी एट फिर ट्वेंटी बच, so बच जाएगा तो दैट इज एट टू जा सिक्सटीन और फिर फोर्टी बच जाएगा तो फाइव आ जाएगा तो सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव तो ये क्या हो गई दिस इज द लाइफ टाइम यानी ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत नहीं पड़ी सिग्मा एफ की इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जो एवरेज लाइफ है वो 65.625 फाइव आवर्स है सो दैट इज आप ये कह सकते हैं मॉडल लाइफ मॉडल लाइफ यानी मैक्सिमम कंपोनेंट की ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव आवर्स सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं थर्ड देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि यहाँ ये दिया हुआ है डेटा तो इसमें हमें ये दे रहे हैं कि टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ टू हंड्रेड फैमिलीज दो सौ परिवारों का ये डेटा है तो कुणाल एम आई ऑडिबल कौन अनीशा बोल रही हो बेटा मनीषा बताओ इसमें मॉडल क्लास क्या है हाँ सही कहा सो मॉडल क्लास फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड रुपीज ये है ना एल कितना है फिफ्टीन हंड्रेड एच कितना है क्लास साइज एफ वन क्या है एफ जीरो क्या है सही है और एफ एफ टू क्या है सही है तो इसको हम वैल्यू में रखें एंड मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये मोडल फ्रीक्वेंसी ये उसके पहले की है एंड दैट इज टू एफ वन मोडल फ्रीक्वेंसी माइनस क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल फ्रीक्वेंसी एंड क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल फ्रीक्वेंसी और इसमें क्लास साइज का मल्टीप्लाई कर दें दैट इज़ एच तो जैसा कि ऊपर दिया गया फिफ्टीन हंड्रेड लोअर लिमिट है ऑफ मॉडल क्लास और मॉडल फ्रीक्वेंसी फोर्टी है तो फोर्टी में से पिछली वाली सबट्रैक्ट कर लो और इसका डबल करके अगली पिछली दोनों सबट्रेक्ट कर लो माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी थ्री और फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए ओके नाउ अब जरा देखिए सो फिफ्टीन हंड्रेड प्लस सिक्सटीन बाई एट्टी माइनस फिफ्टी सेवन तो इंटू फाइव हंड्रेड सो फिफ्टीन हंड्रेड प्लस वही ठीक रहेगा सो फाइव हंड्रेड हम कॉमन ले लेते हैं तो थ्री प्लस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी थ्री ओके तो फाइव हंड्रेड कॉमन ले लिया तो यहाँ थ्री बच गया तो ट्वेंटी थ्री थ्री जा सिक्सटी नाइन प्लस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव हंड्रेड ओके That is equals to five hundred into seventy eighty five by twenty three. Just multiply eighty five into five hundred to so four two five zero zero upon twenty three. Now four two five zero zero by ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करो फोर टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो फोर्टी सिक्स होता तो एक ही बार जाएगा ट्वेंटी थ्री सो नाइनटीन वन नाइन्टी फाइव वन नाइन्टी फाइव आफ्टर दैट तो नाइन टाइम्स चला जाएगा चेक करते हैं तो नहीं अट्ठारह एट टाइम्स जाएगा चौबीस और आठ दोनों सोलह वन एट्टी फोर तो वन वन जीरो ना ट्वेंटी थ्री फोर जा नाइन्टी टू सो दैट इज एट प्लस टेन एटीन एक जीरो और आ जाएगा ओके नाउ वन एट्टी फोर तो अब सेवन टाइम्स आएगा इट इज़ नाइन्टीन तो वन नाइन्टी आ गया अब वन एट्टी फोर यानि एट टाइम्स आएगा वन एट्टी फोर यहाँ पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि सिक्स से तो कुछ बनेगा नहीं अब डेसिमल भी लगाएंगे ये डेसिमल लगा ज़ीरो लगाएंगे तो टू टाइम्स है फोर्टी सिक्स अब पीछे देखने से पता चलेगा कितने डिजिट में लिया है वन एट फोर सेवन पॉइंट एट टू इतने रुपीज़ यानी जो मंथली एक्सपेंडिचर है इतने रुपीज़ है एक्सपेंडिचर यही पीछे आ रहा है चेक करो जरा एट थ्री आ रहा है एट थ्री के लिए हमारे पास क्या बच रहा है वन फोर्टी बच रहा है फोर्टीन तो आ, सेवन टाइम्स में इतना आता है सिक्स टाइम्स जाएगा तो सिक्स थ्री जा सिक्स टू जा थर्टीन तो एट टू सिक्स है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर दें अप्रोक्सीमेट में दोनों ऐसे बनते हैं तो रुपीज़ वन एट फोर सेवन पॉइंट एट थ्री सो इतना एक ये दैट इज मोडल एक्सपेंडिचर ये कह सकते हैं मोड ऑफ द एक्सपेंडिचर गिवेन इन टेबल इज दिस ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है कि मोडल वैल्यू ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ गिवेन डेटा इस रुपीज वन एट फोर सेवन पॉइंट एट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया यानी स्टूडेंट और टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर यानी एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है ऐसा दिया गया है अमित कुमार एम आई ऑडिबल ओके वी संपत एम आई ऑडिबल इज इट अगेन प्लर ओके ओके नाउ वी संपत एम आई ऑडिबल हा बेटा बताओ तो इसको देखते हुए कि दैट इज इट इज द रेशो गिवेन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर अलग अलग स्टेट या यूटी में दिया गया है तो टोटल ट्वेंटी नाइन स्टेट्स से जितनी भी ली गई होंगी वो देखने से पता चल जाएगा क्योंकि पिछले सभी क्वेश्चन में ट्वेंटी नाइन स्टेट प्लस यूटी दिया है अब हम इसको टोटल कर लेंगे आप मुझे इसमें भी बताइए कि इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास क्या है ओके okay, नाउ मॉडल क्लास थर्टी टू थर्टी फाइव एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बताइए थर्टी ओके एच एच इज फाइव ओके एफ एफ वन अनिशा एफ वन क्या है ना सी दैट टेन एफ वन टेन है एफ नॉट नाइन और एफ दैट इज एफ टू क्या है एफ टू थ्री यही सारी चीजें चाहिए नाव मोड इज इक्वल्स टू okay mode it is equals to l plus f1 minus f0 or 2f1 minus f0 minus f2 into h so it is 30 plus 10 minus f0 upon 2f1 to so 2 into 10 माइनस नाइन को भी माइनस करो थ्री को भी माइनस करो आगे और पीछे की दोनों फ्रीक्वेंसी और इनटू जो उसका क्लास साइज़ है दैट इज़ थर्टी प्लस वन आया वन को फाइव में मल्टीप्लाई करो तो फाइव आ गया और ट्वेंटी में से ट्वेल्व को माइनस करो तो एट आया नाउ एट दैट इज़ टू फोर्टी प्लस फाइव सो टू फोर्टी फाइव बाई एट एट थ्री या ट्वेंटी फोर फिर हमने अगला डिजिट उतारा लेकिन नहीं गया तो टू फोर्टी फाइव पहले एट थ्री या ट्वेंटी फोर किया एक डिजिट उतारने से नहीं जाता है तो यहाँ ज़ीरो लगाते हैं फिर डेसिमल लगा के फिर ज़ीरो लगाते हैं तो एट सिक्स या फोर्टी एट एंड एट टू जा सिक्सटीन एट फाइव जा फोर्टी तो दैट इज़ थर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव दिस इज़ कि एक टीचर पर इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दिस इज द मोड तो थर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव द मोडल द मोड ऑफ अब डेटा इज थर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव जो मोड एंड मीडियम है वो दोनों सिंपल है क्योंकि कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती है हर एक में आ, बस ऐसे ही करते चले जाओ नेक्स्ट इज रन स्कोर आर गिवेन ओके फिफ्थ क्वेश्चन तो रंस स्कोर इसमें दिया गया है मीन भी है मोड एंड मीन तो मीन भी निकालते हैं ओके तो मीन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो बस क्लास लिख के भी चल जाएगा फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी मोड जो निकला है उसको ये जरूर चेक कर लेना वो मॉडल क्लास में पढ़ रहा है कि नहीं क्वेश्चन को छोड़ने से पहले फोर्टी से 45, फाइव फोर्टी फाइव से फिफ्टी एंड फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव कहीं कहीं तो फिफ्टी फाइव बच्चे भी हैं पर टीचर जो कि बहुत ज़्यादा हैं सो so, नौ अब देखिए कुछ ऐसे नॉर्वे स्वीडन है वहाँ पर फिनलैंड uh, है वहाँ एक टीचर पर दस बच्चे ही हैं जबकि हमारे यहाँ ऐसा भी रेशो है कहीं कहीं पर तो नंबर ऑफ स्टेट्स यू टी तो देट इज़ फ्रीकवेंसी ओनली एफ आई तो थ्री एट नाइन टेन थ्री एट नाइन टेन थ्री ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो टू ओके इसको टोटल करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई देट इज़ एलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी थर्टी थर्टी थ्री थर्टी फाइव थर्टी फाइव यहाँ लिया गया है ओके नाओ एक्स आई एक्स आई रज यू देर बेटा बताओ एक्स आई हम्म ओके एज्यूम्ड मीन किसे मान रहे हो जहां तक वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मानोगे तो फायदा रहता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को तो कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चलो कुछ भी वैसे मान सकते हो ऐसे तो किसी को भी मान सकते हो नाउ डी आई बताइए कुछ पता चल रहा है कि एक निकालें ज़ीरो ट्वेल्व आएगा तो फाइव और यहाँ पर वन कैरी हो जाएगा तो फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन आएगा ठीक है माइनस और ना पता चले तो यहाँ ज़ीरो लिख दो सबसे पहले क्योंकि इसी से सप्रेक्ट करना है और कितने कितने का डिफ्रेंस है पाँच पाँच का तो माइनस फाइव माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन ये भी एक तरीका है और फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी बोलो बात समझ में आ गई इसको जीरो लिख दो और जो क्लास साइज है उतना जोड़ते चले जाओ उतना सब्जेक्ट करते चले जाओ ठीक है ना नाउ डी आई एफ आई डी आई एफ आई भी बताइए हम्म हम्म फ़िफ्टीन ज़ीरो ज़ीरो फोर्टी चलिए अब यहाँ से ये हो गया फिफ्टी फाइव और इन तीनों को करें तो एट्टी फाइव प्लस एट्टी वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव में से फिफ्टी फाइव चला जाएगा तो सिग्मा डी आई एफ आई क्या आएगा माइनस माइनस अच्छा अच्छा ये सही कह दिया वन सेवेंटी होगा ये तो वन सेवेंटी है तो फिर ये कितना आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टीन फिफ्टी फिफ्टी फाइव है तो ये ठीक है नाउ अब जरा देखिए सो मीन क्या होता है इट इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा फाइव प्रवीण ये कौन सा मेथड है सही है सो दैट इज एज मीन थर्टी टू पॉइंट फाइव है सो थर्टी टू पॉइंट फाइव प्लस माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव ओके फाइव से तो कट जाएगा फिफ्टीन और ये सेवन सो थर्टी टू पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री बाई सेवेन न सेवन से इसे करें तो सात चौदह इक्कीस बाईस ट्वेंटी थ्री सो टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव और ट्वेंटी थ्री फाइव फोर ज़ीरो टू ज़ीरो फोर पॉइंट फाइव सो दिस इज टू जीरो फोर पॉइंट फाइव बाई सेवन ओके नाउ सेवन से इसे कट करो सो so, सिक्सटी फोर जो भी वैल्यू है मीन या मोड की आस पास ही आनी चाहिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन सेंट्रल टेंडेंसी कुछ भी होती है ज्यादा फर्क नहीं होता है तो उससे भी पता चल जाता है सो नाउ फिफ्टीन डेसिमल लगा दें फोर्टीन वन थर्टी तो फोर तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू वन फोर तो 29.214 स्टूडेंट्स है पर टीचर जबकि पहले उसमें आया था 30.625 और ये 29.214 ज्यादा फर्क नहीं है सो दिस इज द मीन वैल्यू मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर नाउ अब देखो ये बात बताई गई है कि रन स्कोर्स बाय बैट्समैन इन वन डे इंटरनेशनल तो पूरे वर्ल्ड का डेटा दिया गया है कि टोटल बैट्समैन कितने हैं और किसने कितने किए हैं टॉप बैट्समैन ठीक है टॉप कुछ लिए गए होंगे चातीस चालीस लिए गए होंगे टोटल करने पे पता चलेगा नाउ तो मॉडल क्लास ओके मॉडल क्लास के बारे में कुणाल आर यू देयर और कौन कौन है आयुष आप बताओ मॉडल क्लास क्या है ये सही है फोर थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड एंड लोअर लिमिट क्लास साइज ठीक है एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एफ नॉट एफ टू बस तो इसको हम प्लेस कर दें सो मोड इज इक्वल्स टू एच सॉरी मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच सो देट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड प्लस एटीन माइनस फोर फुल में से पहली वाली फुल के डबल में से पहली वाली और बाद वाली इंटू एच एच आपने क्या बताया वन थाउजेंड सो अब देखो तो दैट इज वन थाउजेंट अगर कॉमन ले लें तो फोर प्लस यहाँ कितना बच जाएगा फोर्टीन बाई और दैट इज थर्टी सिक्स माइनस थर्टी थर्टी सिक्स यस ट्वेंटी थ्री तो नाइन्टी टू प्लस फोर्टीन बाई ट्वेंटी थ्री इंटू वन थाउजेंड सो इट इज सिक्स और वन हंड्रेड सिक्स सो वन हंड्रेड सिक्स तो यही हो गया और थ्री जीरो और बढ़ा दो बाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करो ओके okay. तो नाइन फोर जाएगा। होगा तो दैट इज फोर वन जीरो तो दो सत्ते चौदह छाइम्स चा, ले जाते हैं सिक्स थ्री 18 सिक्स टू या ट्वेल्व तो छः दो नहीं और टू बच जाएगा ना एक ज़ीरो तो कंज्यूम हो गया है एक और ज़ीरो अब दैट इज़ फिर भी नहीं गया तो एक और ज़ीरो नाउ तो तो हमने एक ज़ीरो तो यहाँ पर उतारा था लेकिन नहीं जाने पर फिर ज़ीरो लगा के दूसरा उतार लिया तो ये कितने टाइम्स जाएगा एट टाइम्स जाएगा एट थ्री जहा ट्वेंटी फोर एट टू जै सिक्सटीन एटीन सिक्सटीन वन सिक्सटी तो दो सत्य चौदह सेवन टाइम्स आएगा सात दो नहीं चौदह थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है लेकिन चलेगा क्योंकि एक ज़्यादा आने से कुछ नहीं यही पीछे अप्रॉक्सीमेट कर देगा फोर सिक्स जीरो एट पॉइंट सेवन यही होना चाहिए तो एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज बैट्समैन ने अपने कैरियर में ये जो भी वैल्यू आ रही है ये मॉडल क्लास में से ही आ रही है तो ये ठीक होना चाहिए आंसर बाकी आप पीछे देख लो इसको फिर एडजस्ट कर दें अदरवाइज इट इज ओके अच्छा अब सिक्स क्वेश्चन देखिए ओके सिक्स क्वेश्चन में स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द रोड हंड्रेड पीरियड्स ऑन ए रोड फॉर हंड्रेड पीरियड्स ईच फॉर थ्री मिनट यानी तीन मिनट में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं ऐसा उसने सौ बार किया एक बार तीन मिनट में जितनी गई रिकॉर्ड किया अगले फिर तीन मिनट में जितनी गई ऐसा करता रहा वो रिकॉर्ड करता रहा तो इस तरीके से तीन सौ मिनट तक यानी उसने ये काम किया है सिक्सटी uh, मिनट्स का एक घंटा होता है तो पाँच घंटे तक उसने रिकॉर्डिंग की है Now, अब नंबर ऑफ कार्स तो नंबर ऑफ कार्स दी गई है फ्रीक्वेंसी दी गई हमें क्या क्या निकालना है इसमें फाइंड द मोड तो फिर हमें मॉडल क्लास कौन बचा हुआ है प्रवीण आपने बताया आ बोलो अमित बोलो हाँ अमित बोलो मॉडल क्लास फोर्टी टू फिफ्टी ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी एल एच एफ वन एफ नॉट एफ टू सही है तो अब मोड निकाल लें मोड इज़ इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इन टू एच सो दैट इज इक्वल्स टू एल इज फोर्टी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी का डबल करो ट्वेल्व को भी सब्ट्रैक्ट करो और 11 को भी सबट्रैक्ट करो इन टू क्लास साइज टेन का है तो टेन नाउ नेक्स्ट इज फोर्टी प्लस एट बाई फोर्टी में से ट्वेंटी थ्री सेवेंटीन और ये टेन है तो एट्टी आ जाएगा Now it is six eighty plus eighty by seventeen. So seven sixty by seventeen sixty eight. So it is eight. Now sixty eight twelve. बच रहा है तो मेरे ख्याल से इतना ही होगा जीरो लगाएंगे तो फिर एक जीरो लगाने से नहीं जा रहा तो जीरो लगाइए पचासी तो फोर्टी फोर पॉइंट सेवन जीरो फाइव यानी ऐसा हुआ है कि आ, मोडल नंबर ऑफ कार्स तीन मिनट में फोर्टी फोर गाड़ियां निकली फोर्टी फोर पॉइंट सेवन नंबर मोड ऑफ डेटा अब देखिए ये तो मोड हो गया मान लीजिए देर से अदर सेंट्रल टेंडेंसी आपके आ, क्लास में ये पता लगाना है कि सबसे सुंदर बच्चा कौन है तो सबसे कम सुंदर से कब से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बच्चे को एक तरफ से खड़ा कर दो और जो बीच का हो तो उसको रिप्रेजेंट कर दो कि यही सबसे सुंदर बच्चा है या हाइट के क्रम में लगाना है तो ये क्या है कि इस तरीके से ब्यूटी कांटेस्ट होते हैं मिस यूनिवर्स या कुछ भी होता है तो उसमें मीडियन को एक अच्छा पैरामीटर मान लिया जाता है कि इससे पता किया जा सकता है किसी जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि सबसे झूठे से सबसे सच्चे बच्चे तक क्रम से खड़ा कर दो बोलो बीच का बच्चा बोलो ये हमारे क्लास की सच्चाई है तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्शन uh, के टर्म्स में फ, uh, आप फेयर या इस तरीके से जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन uh, से फेयर कॉम्प्लेक्शन तक आप खड़ा कर दीजिए तो पता चल जाएगा जो बीच वाला बच्चा है कभी कभी दो आ जाएंगे तो फिर उनका मीन uh, निकालना पड़ेगा डेटा के टर्म्स में बस यही करना होता है सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सो लेट अस सी कि जैसे मीडियन मीडियन का मतलब है माधिका इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मध्य बिंदु जबकि मोड का मतलब बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो उसको बहुलक कहते हैं दैट इज़ हाइस्ट फ्रीक्वेंसी ये मध्य बिंदु है तो मी, मीडियन मिड पॉइंट से आ रहा है जैसे मान लीजिए कि क्लास में बच्चों ने स्कोर किए सो मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट्स आउट ऑफ फाइव फाइव मार्क्स फाइव मार्क्स का टेस्ट हुआ तो वन टू टू थ्री फोर तो हमने इसको क्रम से लगा लिया हमारे पास ये और नंबर ऑफ डेटा है पाँच बच्चे थे तो फाइव स्टूडेंट्स भी थे तो अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा हो तो इसका मिड पॉइंट क्या है बताओ दो इधर से छोड़ो दो इधर से छोड़ो ये मिड पॉइंट है तो यानी थर्ड डेटा इज द मीडियन सो थर्ड थर्ड आया कौन सा थर्ड डेटा क्या है दैट इज टू इज मीडियन फर्स्ट डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो और इफ एन इज ऑर्ड अगर एन ऑड है तो यहां ये यह एन कितना है यही एन ही तो फाइव है एन इज ऑड तो एन अगर फाइव है तो आपको क्या करना है मीडियन ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये डिस्क्रीट डेटा के लिए ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये कंटिन्यूस डेटा के लिए नहीं है कंटिन्यूस डेटा के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा सो मीडियन दैट इज फॉर डिस्क्रीट डेटा तो इस केस में क्या होगा कि एन प्लस वन बाई अथ ऑब्जर्वेशन क्योंकि एन बाई टू तो नहीं कर सकते एन बाई टू करेंगे तो फाइव बाई टू करेंगे तो टू पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कोई है ही नहीं तो एक जोड़ के किया जाता है और इवेंट बना के टू से डिवाइड करते हैं ऑब्जर्वेशन तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल n की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी फाइव है तो फाइव प्लस वन बाई ऑब्जर्वेशन दैट इज सिक्स बाई टू दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज टू इज मीडियन लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दैट इज मार्क्स ऑपटेनड बाई इफ एन इज़ इवेन तो वही बच्चे अगर वन टू टू थ्री फोर फाइव तो ये सिक्स स्टूडेंट्स हैं एन इज इक्वल्स टू सिक्स स्टूडेंट्स तो अब यहां पर दो यहां से हटाया दो यहां से हटाया और ये दोनों क्या हो गए क्या ये मिड पॉइंट हो गए दो मिड पॉइंट हैं और तो मिलने रहे तो ये मिड uh, पॉइंट हो गया तो आपका यहां पर अगर एन इवन है तो मीडियन क्या होगा जो भी ऑब्जर्वेशन हो यानी एन सिक्स है तो मीडियन इज इक्वल्स टू एन बाई टूथ क्योंकि सिक्स बाई टू हो जाता है एन बाई टूए ऑब्जर्वेशन और प्लस एन बाई टू और प्लस वन ऑब्जर्वेशन और फिर उन दोनों का एवरेज तो एन बाई ऑब्जर्वेशन यहां क्या है क्या सिक्स बाई टूए ऑब्जर्वेशन है और ये क्या है सिक्स बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन और बाई टू तो सिक्स बाई टू अथ ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ ओके नाउ इट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस थ्री प्लस वन फोर्थ ऑब्जर्वेशन और बाई टू ओके अस्मित स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या बोलो पहुंच ओके ओके ओके, ओके अभी ठीक है कहां से बताएं बोलो ये इवेन है ऑड वाला समझ में आ गया तो इवेन अगर डेटा है और ये इवेन डेटा में सिक्स बाई टू करो एन बाई टू और एन बाई टू प्लस वन क्योंकि इवेंट में हमेशा दो मिड पॉइंट होंगे अगर मान लीजिए चार बच्चे हैं तो कितने मिड पॉइंट होंगे चार बच्चे लाइन से बैठे हैं तो कितने मिड पॉइंट होंगे टू मिड पॉइंट होंगे कि नहीं सेकेंड और थर्ड बच्चा तो इस तरीके से दो मिड पॉइंट होंगे तो अब हम यहाँ पर एन बाई टू करें दैट इज सिक्स बाई टू अ ऑब्जर्वेशन ये फार्मूला है इवन के लिए मीडियन का और सिक्स बाई टू प्लस वन अथा ऑब्जर्वेशन सिक्स बाई टू कितना होता है दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन और ये ये कौन सी है फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो सिक्स बाई टू प्लस वन क्या हुआ बताइए हां मान लो जैसे कि अगर आ, देखो ऑड में देखो ऑर्ड में पांच बच्चे हैं तो इधर इधर से निकालते जाओ कि एक हटो एक हटो फिर एक हटो फिर एक हटो जो बच जाए वही मिड पॉइंट है बोलो यही हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है इसको ले जाओ जहां ले जाना है तो दो दो हटा दिए ऑड में एक होता है यहां अगर हटाओगे तो दो बच जाएंगे एक हटो एक हटो एक हटो एक हटो, एक हटो। अब दो बच गए इनमें क्या मिड पॉइंट निकालोगे तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मीन नहीं निकालना पड़ेगा टू प्लस थ्री का मीन बोलो तो वो वो टू और थ्री ये मतलब ये थर्ड और फोर्थ कैसे आता है एक बार एन बाई टू कर दो तो थर्ड आ जाएगा सिक्स बाई टू करोगे तो थर्ड आ जाएगा और सिक्स बाई टू प्लस वन करना सिक्स प्लस वन न कर देना नहीं तो थ्री पॉइंट फिफ्थ डेटा कहां से समझ पाओगे समझ में आए कि नहीं इवन में एन में नहीं जोड़ते हैं इवन में एन बाई टू करके प्लस वन कर दे हाँ बोलो बेटा ठीक है तो एन बाई टू करके प्लस वन जोड़ लेना तो अगला डेटा मिल जाएगा एक एन बाई टू कर लेना तो ये मिल जाएगा और उसमें एक जोड़ दोगे तो अगला मिल जाएगा तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है आप बताइए थर्ड कौन सी है टू है और फोर्थ कौन सी है वन टू थ्री फोर तो फोर्थ थ्री बस इनका मीन निकाल लो तो फाइव बाई टू क्या होगा क्या टू पॉइंट फाइव तो मीन मार्क्स जो भी आए वो कितने आए हैं टू पॉइंट फाइव इतनी बात समझ में आ गई अच्छा अब देखो कि ये सारी बात आपको हमने डिस्क्रीट दिस, डेटा के लिए बताई थी जो कि नाइन्थ में भी आ, कराया जा चुका है बट वी आर कंसर्न अबाउट कंटिन्यूस डेटा तो कंटिन्यूस डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाए नाउ अब जरा देखिए उसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है मार्क्स ऑपटेंड तो डिफरेंट मार्क्स ऑपटेंड है तो इसको अरेंज करना है क्या लिखा है क्वेश्चन में अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज फॉलोज तो अरेंज कर दो तो अरेंज हमने कर दिया है मान लीजिए ये अरेंज कर दिया गया है तो टोटल बच्चे कितने हो गए बताइए तो हम इस अरेंजमेंट को लिख लेते हैं क्योंकि इससे हमें काफी मतलब है तो मार्क्स ऑपटेंड अरेंज डेटा लिख लेते हैं नाउ मार्क्स ऑपटेंड दैट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स भी छः बच्चों ने पाए हैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स उसके भी कोई किसी बच्चे ने कोई नंबर नहीं पाया ट्वेंटी एट मार्क्स पाया गया है क्लास में ट्वेंटी नाइन मार्क्स पाने वाले भी हैं थर्टी थ्री मार्क्स हैं थर्टी एट मार्क्स आया है कई बच्चों का फोर्टी टू मार्क्स भी कई बच्चों के हैं फोर्टी थ्री भी हैं आउट ऑफ फिफ्टी ना वॉट इज़ द फ्रीकवेंसी कितने कितने बच्चों ने ये मार्क्स पाए हैं सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्स हैं ट्वेंटी है ट्वेंटी फोर है एट ट्वेंटी एट है फिफ्टीन फोर सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट सिक्स ट्वेंटी पच्चीस अट्ठाइस उनतीस तीस अड़तीस बयालीसालीस ठीक है सो so, अब देखिए थर्टी एट कितने के हैं फोर टू वन ये हो गया तो टोटल कितना हो गया कितने स्टूडेंट्स हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स वो दे रहा है कि हंड्रेड स्टूडेंट्स है हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है क्या बोलो हंड्रेड में मिड पॉइंट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा हंड्रेड में एक मिड पॉइंट आप आएगा क्या तो नहीं आएगा सबसे पहले एन बाई टू निकालो तो अब यहां पर आपको क्या करना है जैसे आपके दो मिड पॉइंट होंगे As डेटा इज even, डेटा इज even, सो so. there आर टू मिड पॉइंट अच्छा इसका मतलब समझते हो कि ट्वेंटी 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 अगर लाइन से लिखो तो सिक्स टाइम्स ट्वेंटी 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 लिखो फिर थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लिखो अब हंड्रेड तक लिखो तो पेज ही भर जाएगा इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी दी तो अच्छा है नहीं तो सौ डेटा लिखोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा समझ में आ गई ना बात जैसे फ्रीक्वेंसी तो होगी ना कुछ बच्चे नंबर लाएँ तो बीस नंबर छः बच्चे लाएँ तो ट्वेंटी 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 लिखो ऐसे लिखने से अच्छा है कि है वही चीज़ बस एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली गई है अब देखिए तो अब जब हमें इस क्वेश्चन को करना होगा तो अब हम इसमें एक ये करेंगे कि हमें कौन सा डेटा चाहिए तो डेटा में नाउ नंबर इवेन है तो बताओ मीडियन क्या होगा क्या एन बाई टूएथ ऑब्जर्वेशन अभी लिखाया है पीछे कहोगे तो दिखा भी देंगे और प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन बाई टू बोलो इन दोनों का मीन होगा कि नहीं अभी कराया नहीं था कि सिक्स बाई टू और सिक्स बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन ऐसा कराया था कि नहीं बताइए अगर अगर इवन होगा तो दो मिड पॉइंट नहीं होंगे क्या इज इट ओके हाँ अब देखो फिर हंड्रेड बाई टू करो और हंड्रेड बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन बाई टू उनका मीन निकाल लेना तो इट इज फिफ्टी ऑब्जर्वेशन और प्लस फिफ्टी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाई टू लेकिन ये तो बड़ी दिक्कत है अब हम इसमें फिफ्टियथ ऑब्जर्वेशन कहाँ से ढूंढें तो इस तरीके से मुझे ये टेबल अब फिर से बनानी पड़ेगी कि यानी ट्वेंटी मार्क्स तक पाने वाला हाँ जैसे कि यहाँ तक हमें पता चल गया है तो इसकी अब हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है नाउ देखो क्यूमलेटिव का मतलब होता है कि उसको जोड़ते चले जाओ संचयी बारंबारता कि सब एट करते जाओ जैसे अगर पूछो कि पहले छः बच्चों ने कितने नंबर पाए तो वो हाथ खड़े कर देंगे पहले फर्स्ट सिक्स स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस मैनी मार्क्स अब सिक्स प्लस ट्वेंटी तो ट्वेंटी सिक्स बच्चों ने अगर प्रिंसिपल पूछेगा जो लोवेस्ट ट्वेंटी सिक्स बच्चे हैं उन्होंने कितने नंबर पाए तो बोलेगा ट्वेंटी फाइव और लेस देन ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स बच्चे हैं हमें हमें फ़िफ्टी हमारा कंसंट्रेशन फिफ्टीथ डेट और फिफ्टी फर्स्ट में हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है लेकिन बताओ शुरू के ट्वेंटी सिक्स बच्चों को क्या इन्हें घर भेज दो कि तुम्हारे नंबर नहीं चाहिए तुम लोग जाओ ट्वेंटी सिक्स बच्चों को घर भेज दो क्योंकि पहला छः बच्चा और अगले बीस बच्चे तो टोटल कितने हो गए बोलो ट्वेंटी सिक्स बच्चे जब तक फिफ्टी ना जाए करते जाओ अच्छा अब अगले ट्वेंटी फोर और जोड़ो इसमें ये जोड़ा तो ये आया तो ये कितना आया तो जो फिफ बच्चा है उसने कितने नंबर पाए होंगे देख लो नहीं ट्वेंटी एट क्यों क्योंकि ट्वेंटी अच्छा ये बताओ ट्वेंटी सिक्स बच्चे ने कितने नंबर पाए होंगे ट्वेंटी सिक्स बच्चे ने ट्वेंटी फाइव और उस उससे पहले ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फोर्थ बीस बच्चे लगातार एक साथ उंगली रखते जाओ वो सब पच्चीस वाले हैं अच्छा ये बताओ ट्वेंटी बच्चा कितने नंबर पाया है ट्वेंटी सिक्स तक तो आपने देख लिया पच्चीस नंबर हैं अब जब ट्वेंटी बच्चे पे उंगली रखोगे वो कितना नंबर पाया है ट्वेंटी एट और, और अगले ट्वेंटी फोर बच्चे पर नंबर रखते जाओ सबको लाइन से खड़ा कर दो तो बताओ अब ट्वेंटी 28, ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन इन सब बच्चों ने कितने नंबर पाए हैं ये सब ट्वेंटी एट वाले ही तो हैं अच्छा अब फिफ्टी के बाद ये अगले ट्वेंटी एट करो तो क्या सेवेंटी एट तो अच्छा 50 बच्चे जो लास्ट बच्चा कौन सा है जिसने 28 नंबर पाया है पचासवां बच्चा पचासवां बच्चा ऐसा क्योंकि सब लाइन से खड़े हैं तो अब वो तीन तरीके के नंबर पा चुके हैं अब जब तुम फिफ्टी फर्स्ट वाले बच्चे पे उंगली रखोगे तो वो वो कितने नंबर पाना शुरू कर चुका है ट्वेंटी नाइन और अगले ट्वेंटी एट बच्चे भी ट्वेंटी नाइन जैसे आगे पीछे बैठे हो सारे सब नकल कर रहे हो सब ट्वेंटी नाइन पाए तो आप समझ गए ना तो फिफ्टी फर्स्ट बच्चे ने कितने नंबर पाए ट्वेंटी नाइन ये बात समझ में आ गई तो इसलिए हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं अब फिफ्टीन और ऐड करो तो कितना हो जाएगा नाइन्टी थ्री और फोर ऐड करो तो नाइन्टी सेवन और टू ऐड करो नाइन्टी नाइन और ये हंड्रेड यानी हंड्रेड बच्चे जो हंड्रेड बच्चा है उसने कितने नंबर पाए बोलो अच्छा अस्मित इतना ही जानते हो तो बताओ नाइन्टी बच्चे ने कितने नंबर पाए तो हम पता लगा लेंगे सही जान रहे हो तो नाइन्टी बच्चे क्योंकि नाइन्टी सेवन तक ये पा चुके हैं और नाइन्टी ने फोर्टी टू इसका मतलब है कि समझ में आ गया अनीसा ये बताओ कि सिक्सटी फिफ्थ बच्चे ने कितने नंबर पाए होंगे समझ हाँ अभी समझ में आ जाएगा अच्छा देखो अनीशा पहले छह बच्चों ने कितने नंबर पाए लाइन से खड़ा किया ना ट्वेंटी पा लिए तो शुरू में उंगली रखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अच्छा सेवेंथ बच्चे से अब सिक्स के बाद सेवेंथ से लेकर के अगले ट्वेंटी बच्चे तक यानी ट्वेंटी सिक्स तक सेवन एट नाइन टेन से ट्वेंटी सिक्स क्योंकि इसी में तो जोड़ा है उन सब बच्चों ने कितने नंबर पाए ट्वेंटी सिक्स बच्चों तक ने बोलो 25. अच्छा ये बताओ थर्टींथ बच्चे ने कितने नंबर पाए होंगे ट्वेंटी फाइव कितने बच्चों ने वो किस नंबर का बच्चा है और कहां तक के बच्चों ने थर्टी थ्री नंबर पाए हैं यानी ये बताओ 25. बस तो आ गया समझ में और क्या चाहिए था ये बताओ नाइन्टी फिफ्थ बच्चे ने कितने नंबर पाए सही है बस इतना ही चाहिए था अब फिफ्टीएत ऑब्जर्वेशन की जगह क्या रखोगी यहां से देख के बता दो पचासवें बच्चे ने कितने पाए और फिफ्टी फर्स्ट बच्चे ने

फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ आ जाएगा हम लोग इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक और एक्सरसाइज uh, से करते हैं तब आ जाएगा चलो नाउ तो अब देखो अब एक्सरसाइज में इस तरीके के हैं ही नहीं क्वेश्चन फिर से देखो अब इन्हीं में ही करना पड़ेगा आपको मान लीजिए कि ये देखिए कि अब मैं एक डेटा बना के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि बच्चों ने कितने कितने नंबर पाए तो जीरो जीरो वन 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 टू टू थ्री 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 फोर फोर फाइव इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया जाए तो मार्क्स Obtained, फिर फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट ने पाए और कीमलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ कहा जाता है ठीक है यानी जोड़ते चले जाओ संचय करते चले जाओ संचयी और जो बार बार आए तो बारंबारता, था ये होती है फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बारं बारंबारता, जो बार बार आए कितनी बार आई तो जीरो मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं बोलो पहले दो बच्चों के आए दूसरे बच्चे ने ज़ीरो पाए अच्छा फिर वन मार्क्स कितने बच्चों के हैं थ्री टू मार्क्स कितने बच्चों के हैं ये अनग्रुप्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ये अनग्रुप्ड डेटा था और अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ अनग्रुप्ड डेटा का क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहा हूँ बोलो अच्छा फोर दो नंबर दो बच्चों के हैं और तीन नंबर थ्री मार्क्स कितने बच्चों के हैं थ्री तो फोर मार्क्स कितने बच्चों के हैं टू और फाइव मार्क्स वन बच्चे के हैं तो अब इनको मैंने लाइन से खड़ा कर दिया तो पहले दो बच्चों के कितने नंबर हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं इस तरीके का दिया नहीं है बट प्रवीण को समझाने के लिए कर रहे हैं तो पहले दो बच्चों के कितने नंबर है बताओ जीरो और टोटल कितने बच्चे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एक और कर लेते हैं ये फोर्टीन तो ये भी टू हो गया टोटल फोर्टीन है तो मैं इवेंट पे करवा देता हूं एक और पे भी करवा लेंगे और में तो सिर्फ एक ही को चुनना होता है अच्छा अब ये बताओ अब इसमें ये ऐड करो तो यहां क्या लिख दो फाइव तो जो पहले पांच बच्चे हैं उनके लेस देन और इक्वल टू कितने मार्क्स हैं बताओ जो पहले पांच बच्चे हैं क्योंकि दो ये और तीन ये तो मिला के हमने जोड़ दिया इस इसमें ये जोड़ो तो ये आ गए लेस देन ठीक है लेस देन और इक्वल टू कर रहे हो तो वन करो मतलब इक्वल टू वन और लेस देन वन ठीक है कि नहीं अच्छा तो उसी में इक्वल टू भी तो आ गया अच्छा अब इसमें ये टू जोड़ो तो अब ये सेवन है तो सेवन बच्चों के जो पहले साथ हैं वो लेस देन और इक्वल टू टू ये बताओ आयुष कि सिक्स बच्चे के कितने मार्क्स हैं यहाँ से पहले पांच बच्चे के नंबर पता चल गए तो अगले दो कौन से हैं दो नंबर हैं तो सिक्स्थ और सेवन्थ बच्चे के हैं ये अच्छा अब और देखो ये ये जोड़ो तो टेन अब बताओ नाइन्थ बच्चे के कितने नंबर हैं क्योंकि जो एट्थ सेवन के बाद एट्थ नाइन्थ और टेंथ बच्चा है वो तीन नंबर लाया है और फिर उसके बाद नाइन के बाद टू और एड करो ट्वेल्व इलेवेंथ तो और ट्वेल्थ बच्चे कितने नंबर लाए हैं क्या फोर और फिर टू और एड करो तो तो जो सिग्मा एफ आई होता है उसे एन कहते हैं यहां पे एन कहा जाता है सबको एफ नहीं कहा जाता है तो ये फोरटीन है वही यह आ जाएगा अच्छा अब जबकि मैंने ये कर लिया है तो यहां पर देखिए कि हम इसका मीडियन कैसे निकालें तो मीडियन क्या होता है मीडियन इज इक्वल्स टू एन बाई अथ ऑब्जर्वेशन क्योंकि इवेंट हाँ ये देख लो कि ये है इसमें जब हम क्या करते हैं कि यही टू में ये ये ऐड करो ये प्लस कर दो तो ये आ जाता है ये प्लस कर दो फिर फाइव में ये टू ऐड करो प्लस तो ये आ जाता है फिर सेवन में ये थ्री ऐड करो अगला अगला ऐड करते जाना फिर बोलो अगले कौन से बच्चे हैं अगला ग्रुप तो अगले दो बच्चे हाथ खड़े कर देंगे सर हमारे चार नंबर हैं बोलो तुम दोनों आ जाओ तो प्लस फिर ये आ जाएगा फिर बोलो अगला ग्रुप कौन सा है तो अगले दो बच्चे कहेंगे सर हम तो पाँच नंबर वाले हैं तो बोलो अगले आ जाओ बस जोड़ते जाओ तो ये अब अगला अगला आता गया टू में थ्री जोड़ा तो ये आ गया टू को टू लिख दो पहले दो बच्चे ठीक है कि नहीं समझ में आ गए कि नहीं ठीक है अब देखो एन बाई अथ ऑब्जर्वेशन और फिर क्या लिखोगे एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन क्योंकि इवेंट नंबर है तो दो मिड पॉइंट होंगे अब यहां पर फोर्टीन बाई अथ ऑब्जर्वेशन क्या है फोर्टीन बाई अथ क्या है और फोर्टीन बाई टू प्लस वन क्या है बाई टू ये चीज़ हो गई ना दिस इज सेवेंथ ऑब्जर्वेशन और ये क्या होगा एर्थ ऑब्जर्वेशन बाई टू तो अब देखो ये मुझे बता दो प्रवीण तो मुझे पता चल जाएगा समझ में आया सेवेंथ बच्चे के कितने नंबर हैं सेवेंथ और एर्थ बच्चे के चे? सही है और एर्थ बच्चे के जो सातवा बच्चा है क्योंकि सेवन तक तो इतने ही हो गए दो बच्चे ये लाए तीन ये लाए दो सेवन तो बच्चे यहां तक हो गए तो एट्थ नाइन्थ टेंथ अगले तीन बच्चे तो अब आपने बताया टू और थ्री बताया है तो टू प्लस थ्री बाई टू तो फाइव बाई टू बोलो समझ में आ गई बात कैसे करते हैं ठीक है और जो पिछला सवाल है उसको वीडियो में एक बार और देख लेना तो समझ में आ जाएगा अब देखो अब हम आते हैं ये जो मैंने बताया है ये क्लास ये डिस्क्रीट डेटा है ये नाइन्थ में हम सीख चुके हैं तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो हमने अभी बताया है हमें तो आगे वाला करना है ना अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगला देखो तो पेज नंबर कौन सा है 279 पे दिया गया टेबल 14.12 ये ये वाला निकालो 14.12 ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आप ग्रुप्ड लिखो या कंटिन्यूस लिखो एक ही बात है वैसे ग्रुप्ड में दो होते हैं एक नॉन कंटिन्यूस भी होता है और एक कंटिन्यूस हमने फ्लो चार्ट बनवाया था कि नहीं अगर नॉन कंटिन्यूस हो तो उसे कंटिन्यूस बनाना पड़ता है मार्क्स ज़ीरो से टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एट्टी टू नाइन्टी नाइन नाइन्टी टू हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स का पेपर हुआ है और जो मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सो फाइव थ्री फोर थ्री थ्री फाइव थ्री फोर थ्री थ्री फोर सेवन नाइन फोर सेवन नाइन सेवन एट ये हो गया तो अब हमें इसमें कैसे बनाना है इसमें वैसे नहीं कर सकते जैसे क्योंकि अपर लिमिट क्या होती है क्या इसमें इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है बताओ अपर लिमिट इंक्लूड होती कि नहीं होती है नहीं होती है तो नाउ अब ये कितने बच्चे हैं टोटल टोटल फिफ्टी थ्री बच्चे हैं। <coughs> तो सिग्मा एफ आई तो नहीं लिखा जाता एन लिखा जाता है फिफ्टी थ्री हो गए अब जरा देखो अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड तो अब जो पहला ग्रुप है उसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ मार्क्स को लेस देन टेन कर सकते हैं क्या बताइए यानी लेस देन टेन मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं देखिए लेस देन टेन तो ये मार्क्स हैं तो यहां देख के बताओ कि दस से कम नंबर दस तो नहीं पाए जो दस वाला है उसमें आएगा दस से कम नंबर जीरो से नाइन नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं बताइए फ्रीक्वेंस हाँ फ्रीक्वेंसी और लेस देन है तो लेस देन ट्वेंटी तो अब पूछा जाएगा अच्छा और बच्चे हाथ खड़ो अब बताओ बीस से कम कितने हैं तो क्या पुराने वाले जो खड़े हाथ खड़ा किया था वो गिरा लेंगे कि वो भी खड़ा रखेंगे अगर टीचर पूछेगा बीस से कम कितनों ने पाए बोलो तो फिर कितना हो जाएगा बताइए तो अब एट हो जाएगा तो इसे फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे जब लेस देन के मामले में करते हैं तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो अब उसमें थ्री ऐड करो यहीं से CF निकाल लो। तो CF से पहले फाइव फिर कितना आएगा बताओ एट में अगला फोर ऐड करो अगर टीचर ने पूछ लिया बोलो थर्टी से कम कितने तो क्या और कुछ हाथ खड़े हो जाएंगे ट्वेल्व और अगर टीचर ने बोल दिया फोर्टी से कम तो तीन हाथ और खड़े हो जाएंगे फिर अगर कह दिया फिफ्टी से कम तो क्या फिर अट्ठारह बच्चे हाथ खड़े कर लेंगे अगर सिक्सटी से कम कह दिया तो क्या ट्वेंटी टू बच्चे हाथ खड़े कर लेंगे और टीचर कह दे अच्छा ये बताओ कि कितने बच्चों ने सेवेंटी से कम मार्क्स पाए उनका रीटेस्ट होगा तो अब क्या और सेवन बच्चे हाथ खड़े कर लेंगे और फिर अगर वो कह दे एट्टी से कम किसने पाए हैं देन ट्वेंटी नाइन प्लस नाइन क्या थर्टी एट हो जाएंगे और अगर वो पूछता है कि नाइन्टी से कम कितने बच्चों ने पाए हैं तो क्या ये फोर्टी फाइव हो जाएगा और फिर उसके बाद वो कहता है कि हंड्रेड से कम किसने पाए हैं या हंड्रेड तक तो अब कितना हो जाएगा फिफ्टी थ्री बोलो बात समझ में आ गई तो इस इस टेबल को हम सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं अदरवाइज़ ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है लेस देन वाली लेकिन हमें सीख लेना चाहिए क्योंकि बुक में दिया है हम सीधा इसी से भी आंसर कर सकते हैं सीधा सी क्यूबलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो और फार्मूला लगा के आंसर करो लेकिन हम सीख लेते हैं कि लेस देन क्या है लेस देन टेन फाइव फिर एट वही ऊपर वाला ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ जो है वही है फाइव एट ऐसे लिखता जा रहा हूँ लेस देन टेन लेस देन ट्वेंटी फिर तीस से कम नंबर चालीस से कम नंबर फिफ्टी से कम नंबर सिक्सटी से कम नंबर सेवेंटी से एट्टी से कम नंबर ऐसे पूछता जाएगा टीचर फिर अच्छा नाइन्टी से कम नंबर फिर बोलेगा हंड्रेड या हंड्रेड से कम नंबर तो फाइव एट ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी एट फोर्टी फाइव और लेस देन हंड्रेड बोल देगा तो क्या पूरी क्लास हाथ खड़ा कर लेगी लेस देन एंड इक्वल टू हंड्रेड बोलो क्योंकि हंड्रेड से ऊपर कौन लाएगा हंड्रेड ही तक तो लाएंगे सारे अब देखो कि ये मुझे बताओ आयुष इसके कितने मिड पॉइंट होंगे अगर आपके क्लास में फिफ्टी थ्री बच्चे हैं तो बताओ एक होगा और इसमें मिड पॉइंट का केस भी नहीं है इसमें दो मिड पॉइंट नहीं होते हैं जब हम ग्रुप्ड डेटा करते हैं तो वहां एक और दो मिड पॉइंट नहीं होते हैं वो अनग्रुप्ड में फैसिलिटी थी वहीं खत्म हो गई और उसके फार्मूले भी वहीं खत्म हो गए अब सीधा आप एन बाई टू निकालो अब यहां ये यह नहीं करना है कि प्लस वन नहीं करना है बस सीधा एन बाई टू निकालो चाहे डेसीमेल मैच चाहे जो सो so, अब एन बाई टूथ ऑबरवेशन क्या हुआ क्या फिफ्टी थर्ड बाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो वो वो क्या होगा बताओ टू जा और सिक्स ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फिफ्थ ऑब्जरवेशन हमें चाहिए ये हमें इसमें से चाहिए अच्छा ये बताओ कि शुरू के बाईस बच्चों ने कितने नंबर पा लिए क्या सिक्सटी से कम बोलो देख लो यहाँ से देख लो शुरू के 22 बच्चों ने 60 से कम पाए वो हमारे वो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं उनको छुट्टी दे दो जाओ तुम लोग घर जाओ हमें तो उस बच्चे का पता लगाना है जो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फिफ्थ बच्चा है वही हमारा मिड पॉइंट है वो कितने पाया ये पता लगा ले। अच्छा ये बताओ कि इतनी बात समझ में आ गई तो ये ट्वेंटी टू तो हो गया जो इसकी अगली वाली क्लास होगी वो हमारी कौन सी होगी वही मीडियम क्लास है क्योंकि ट्वेंटी सिक्स बच्चा किस क्लास में मिलेगा ये बताओ इस इस वाली क्लास में मिलेगा कि यहाँ पाया जाएगा यहीं पाया जाएगा क्योंकि देख लो ट्वेंटी थर्ड बच्चे से ट्वेंटी नाइन्थ बच्चे तक अगले सात बच्चे ये नंबर लाए हैं और इसी में ये चोर छिपा हुआ है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव हमें इसे पकड़ना है तो मीडियम क्लास क्या हो गई ये हो गई ये वाली क्योंकि ट्वेंटी टू के आगे ट्वेंटी इसी में है यही तो कंटेन कर रही है ये क्या कंटेन कर रही है क्या ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उसको कंटेन कर रही तो ये क्या हो गई बताइए क्या ये मीडियम क्लास हो गई तो इसको कहा जाएगा मीडियम क्लास अब जरा देखो जबकि आपको ये पकड़ में आ गई यही पकड़ना सबसे बड़ी बात थी अब आपका काम पूरा हो चुका है तो इसलिए अब सीधा फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन करें क्योंकि पकड़ में आ गया कि ट्वेंटी वो निकल जाएगा अब जरा देखो तो देखिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास क्या है जरा ये बता दीजिए अब इसमें एल क्या है मीडियम क्लास तो आपने पकड़ लिया मीडियम क्लास कौन सी पकड़ी है क्या सिक्सटी से सेवेंटी पकड़ी है चेक कर लो सिक्सटी से सेवेंटी और इसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास क्या है जैसे पहले करते थे लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास उसे एल कहते हैं वो सिक्सटी हो गई अच्छा ये बताइए एच कितना है ठीक है दैट इज क्लास साइज वो टेन हो गया इत, ये है, ये भी बताओ कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास क्या है उससे पहले जिनको घर जाने दिया नहीं ये हमारी मीडियन क्लास है और इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22 तो अब जरा देखो तो दैट इज सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दैट इज उससे पता करो कितनी है? क्या उसकी ट्वेंटी टू है चेक करो ये तो मीडियम क्लास है ना मीडियम क्लास के पहले वाली के कितनी है तो ट्वेंटी टू ये चीज हो गई अब इतनी चीज चाहिए थी हमको और कुछ नहीं चाहिए अब इसका फार्मूला लिखो दैट इज मीडियम क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एन बाई टू माइनस टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एक एफ छोड़ दिया इसे क्या कहेंगे बताओ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को यहाँ क्या बोलेंगे F. तो जितने हैं तो अगले सात बच्चे अब जरा देखो देट इज एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास उस उसको किससे सिंबलाइज करेंगे एफ तो वो कितना आया सेवन और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे एच से हम इस फार्मूले को भी जस्टिफाई करेंगे पहले इस सवाल को कर लें कि कैसे आता है जरा देखो तो एल कितना था बताइए सिक्सटी सेवेंटी हमारी मीडियम क्लास थी तो एल कितना था सिक्सटी था और एन बाई टू कितना आया अभी पीछे से देखा था तुम्हें किस बच्चे को पकड़ना है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या ट्वेंटी टू है बोलो और ये और इन टू एच एच का मतलब क्या है क्या टेन है क्लास साइज कितना है ठीक है तो सिक्सटी प्लस फोर पॉइंट फाइव और इन टू टेन बाई सेवन बोलो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे वैल्यू रखी गई अच्छा अब ये बताओ कि हमें क्या इस बच्चे को पकड़ना था इस बच्चे को तो 22 बच्चों ने तो 60 नंबर ले आए तो अगले सात बच्चे कितने नंबर लाए बताइए तो 22 बच्चों ने लाए आपको तो फोर पॉइंट फिफ्थ बच्चा पकड़ना ना 22 के आगे वो कितना लाया तो नेक्स्ट सेवन स्टूडेंट्स इसी से आंसर आ जाएगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट सेवन गॉट उन्होंने कितने नंबर पाए क्या अगले दस नंबर चेक करो ये ये देखो अगले सेवन स्टूडेंट ट्वेंटी टू के बाद सात बच्चों ने कितने नंबर पाए बताओ दस तो हम धीरे धीरे ट्वेंटी टू के आगे ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव हमें रुकना है तो अगले साढ़े चार बच्चों ने कितने नंबर पाए क्योंकि हमें तो साढ़े चारवें बच्चे का चाहिए कि जब सात बच्चे दस नंबर पा रहे हैं सात बच्चे तो फिर नेक्स्ट फोर पॉइंट फाइव स्टूडेंट है क्या टेन बाई सेवन इंटू फोर पॉइंट फाइव नहीं हो जाएगा जो कि यहां आया है तो वो सिक्सटी में हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा समझ में आई अदरवाइज फार्मूला तो अपने आप में ठीक है इसको करना नहीं है दैट ओनली आई हैव एक्सप्लेन कि इस तरीके से ये जस्टिफाई होता है तो लोअर लिमिट और प्लस एन बाई टू माइनस आपको मीडियन क्लास देखनी है कौन सी है मीडियन क्लास कैसे पकड़ में आई है बताओ जिसमें ये नंबर आएगा वो क्लास क्या क्या कहलाएगी जिसमें ये नंबर पड़ जाए वो मीडियन क्लास है तो मीडियम क्लास पकड़ में आ गई मीडियम क्लास पकड़ में आते ही क्या लोअर लिमिट पकड़ में आ गई फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ गई और एच पकड़ में आ गया और उसके पीछे के सी एफ पकड़ में आ गई क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी ये सारा यहाँ रख दिया हमने ठीक है तो ये कितनी वैल्यू हो गई बताइए सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव बाई सेवन सेवन से इसको मल्टीप्लाई करो तो फोर ट्वेंटी और प्लस फोर्टी फाइव बाई सेवन तो ये कितना हो जाएगा क्या ये फोर सिक्सटी फाइव बाई सेवन हो जाएगा अब सेवन से इसको डिवाइड कर लो फोर सिक्सटी फाइव तो दैट इज फोर्टी फाइव फिर कितना आया थर्टी और फिर ट्वेंटी आ गया तो तो ये सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर टू एट आया फोर टू एट यानी जो हमारा मीडियम वैल्यू है ये कहाँ तक पहुंच रहे हैं फोर टू एट फोर तक ही पहुंचे हैं सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर यानी ये कहा जा सकता है कि मीडियन जो मिड पॉइंट है एग्जैक्टली exactly, अगर बच्चों को क्रम से खड़ा किया जाए तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर मार्क्स जो है बच्चा लाया वैसे ये लाया भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम तो एक मीडियम है ये तो डेटा है बात समझ में आ गई कि नहीं मीडियम कैसे निकाले जाता है बोलो बताइए ठीक है तो यहीं तक रखते हैं और कल फिर हम मीडियम के कुछ और क्वेश्चन कराएंगे कल ये खत्म हो जाएगा फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करेंगे ओके वेलकम वेलकम बेटा Welcome.